तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वी लुकअप के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वी लुकअप के सामने आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है जो कि इस चार अलग अलग शीट में डेटा है और मुझे इसकी समरी यहाँ पे निकालनी है। तो जो शीट के नेम है वो हमारा कॉलम का हेडिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे वन बाय वन वी लुकअप हर कॉलम में जाके लगाना पड़ेगा कि पूजा क्वार्टर वन और यहाँ पे दूसरा में कॉलम जीरो, फिर ऐसे ही यहाँ पे वी लुकअप और इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर क्वार्टर टू में जाना पड़ेगा और क्वार्टर टू में दूसरा नंबर कॉलन। तो यहाँ पे तो चलो चार कॉलन है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ शीट्स 200-300 होते हैं, उसके समरी निकालनी पड़ती है चाहे रो बाई जो और कॉलम बाई जो। तो यहाँ हम कुछ ऑटोमेट करना चाहते हैं कि जो सीट का रेफरेंस है वो हमारे कॉलन के अकॉर्डिंग लिया जाए। संदीप जी प्रॉब्लम समझ में आया है? प्रॉब्लम क्या है इसका? सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। हाँ समझ में आ गया, क्योंकि आप इसमें कोई और फॉर्मूला से सीट अलग अलग सीट को नहीं ले सकते हैं, नेम नहीं ले सकते हैं। जैसे आप मैच से लगा लिए तो आप मैच से हेडिंग ले लेते हैं ऑटोमेटिक, सो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें क्या है कि जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस का जो ये Q1 है, एक Q1 को इससे लिंक करना चाहेंगे हम। तो हम इसको डिलीट करते हैं और इसको क्लिक करके हम कॉनकटा नेट दे देते हैं, तो दोनों कंबाइन हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये अब एरर दे रहा है। एरर दे रहा है क्योंकि इन्वर्टर कॉमा में नहीं है। इन्वर्टर कॉमा में देने के बाद भी रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। क्यों नहीं सही आएगा इसको जानने के लिए आप फॉर्मूला को एवलेट कीजिए, पता चलेगा कि यहाँ पे जो Q1 और AB है दोनों मिला के देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में है। फॉर्मूले ने इसको रेफरेंस माना ही नहीं है, माने फॉर्मूले ने इसको ये नहीं माना है कि P1 का A से B कॉलन है। तो किसी भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि उसको इनडायरेक्ट, हाँ सही बोला आपने, इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर ले लेते हैं इनडायरेक्ट और इसको लगा दिया और हमने एंटर मारा। अब मैं बाकियों को फ्रीज कर देता हूं और फिर इसको ड्रैग करता हूं तो मुझे किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी आपके पास ऐसा हो कि शीट डिफरेंट डिफरेंट शीट्स और नेम को इस तरह से करना हो तो आप इनडायरेक्ट की मदद लेके कर सकते हैं। समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा समझाएंगे। हाँ दिक्कत हो रही है बताइए इस फॉर्मूले में आपको। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया जी सर। पुनीत शर्मा जी, जी सर। ओके पुनीत जी, क्या है कि हमारे पास चार सीट्स है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है। हर सीट में जैसे मान लीजिए कि आपका नेम तो सब में सेम ही है, लेकिन हर सीट में सेल्स अलग अलग है। चौथे सीट में आपको कुछ इस तरह से दिया गया कि नेम है और ये आपके क्वार्टर्स हैं, आपको यहाँ पे उनके सेल्स निकालने हैं। जी सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके वी लुकअप लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सीट अलग अलग है। हम ड्रैग एक बार लगा के ड्रैग तो नहीं कर सकते ना सर जी। तो सीट अलग अलग है तो हम सीट यहाँ ऊपर को हेडिंग जो हमारा Q1 है उसको सीट रेफरेंस में एज ए सीट नेम कैसे ले, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको आपस में कंबाइन कर दिया एड्रेस को। लेकिन एड्रेस जो कंबाइन किया है वो एंड परसेंट मतलब कि कॉनकेट फॉर्मेट्स हुआ है, और जैसा जानते हैं कि कॉनकेट टेक्स्ट फंक्शन है तो रिटर्न भी टेक्स्ट करता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए रेफरेंस। तो इस दी गई एड्रेस जो टेक्स में इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनडायरेक्ट लगा दिया है और फिर हमने इसको ड्रैग कर दिया चारों तरफ। आ गया समझ में? अभी भी कोई प्रॉब्लम है?
सर अपन ने बी वन को कॉन्कनेट किया ए बी से, ए से बी एड्रेस है हमारा, इसलिए सर। एड्रेस है ना आपका यहाँ पे, एड्रेस ए से बी। जी सर आपने सही से देखा नहीं, जैसे कि हम एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जैसे कि आप नॉर्मली वी लुकअप लगाते हैं ना यहाँ पे, जी सर, वी लुकअप में आप क्वार्टर में गए और इसको सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 2,0 कर दिया, तो यहाँ क्या एड्रेस बनता है, ये Q1 है, ये ऊपर दिया गया है और A से B आपका कॉलम है, तो हमको सीट नेम को ऑटोमेट करना है ना, तो हम इसको दे देंगे इसमें इन्वर्टेड कॉमा में और इसके साथ हम इसको कॉन्क्रीट कर देंगे, समझ गए? समझ में आया कि नहीं? शीट को अपन ने सर इसके साथ कॉन्क्रीट किया है। हाँ, शीट का ऊपर हेडिंग Q1 सीट नेम है और इन सबको इनडायरेक्ट में डालना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल एड्रेस में, रेफरेंस में। ये सर एड्रेस से भी मतलब क्या जा सकता है क्या? जी जरूर, एड्रेस से, एड्रेस फॉर्मूला से नहीं, एड्रेस फॉर्मूला से नहीं किया जाता। एड्रेस फॉर्मूला में आपको इनपुट रो और कॉलम नंबर देना होता है ना सर, नंबर पे चलता है। हाँ, अगर किया जा सकता है लेकिन तिग्रम करना पड़ेगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप को इनडायरेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? तो उसी तरह से मेरे पास चार डेटा है, यहां भी मैं चार डेटा रखता हूं, सीट 3 एंड सीट 4, डेटा 4। तो चार डेटा है हमारे पास और मैं अपना डेटा भी बना लेता हूं इसी में से लेके। और सबका जो आईडी है, जैसे 45 है तो ये आईडी 46 से स्टार्ट है, इसमें लास्ट 90 है, तो यहाँ पे 91 से चलिए। तो डेटा हमारे पास, अब प्रॉब्लम यहां है कि हमें मल्टी शीट वी लुकअप लगाना है यहां पे। तो मेरे पास आईडी एक भी है, आपका 20 है, 41 है, 55 है, 90 है, 98 है, 117 है और 125 है। तो आईडी दिया गया है वो चारों सीट में से किसी एक में हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे एक ही सेल के अंदर में चार वीलुकअप लगाने हैं। जैसे मैंने आपको एक सेल में कल दो वीलुकअप बताया था, ऐसे आज मैं आप बात कर रहा हूं एक सीट में चार वीलुकअप की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इफ एरर लगाते हैं और इफ एरर में हम दो वी लुकअप देते हैं। हमने दिया कि वी लुकअप पहले शीट से तुम लुकअप उठाओ कॉमा 2,0, सॉरी वी लुकअप देना पड़ेगा, फिर कॉमा हमने दिया दूसरा वी लुकअप। दूसरा वी लुकअप को बोला कि आप दूसरे शीट से वी लुकअप उठाओ। तो इफ एरर, हालांकि जैसे बताया आपको कि इफ एरर एक बार में दो ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे दो वी लुकअप दे दिया सीट 1 एंड सीट 2 का, डेटा 1 एंड डेटा 2 का,
अब मुझे डेटा थ्री का भी वीलुकअप लगाना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक और वीलुकअप, एक और इफ एरर लगाऊंगा, और इफ एरर के पहले पार्ट में वो दोनों वीलुकअप डाल दूंगा, और यहां पे दूसरे पार्ट में मैं तीसरा वीलुकअप डाल दूंगा, जो कि तीसरे सीट में जाके सर्च करेगा कि वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्या तीसरा, तीन वीलुकअप लग गए। इसमें क्या हुआ कि एक इफ एरर जिसके अंदर में दूसरा इफ एरर, और दूसरे इफ एरर के अंदर में दो वीलुकअप, और पहले इफ एरर के अंदर में दूसरा इफ एरर और तीसरा वीलुकअप। अब मैं चौथा कहां एडजस्ट करूं, तो मैं इसके आगे एक और वीलुकअप, एक और इफ एरर लगाऊंगा, और इस इफ एरर के अंदर में दोनों इफ एरर मतलब कि तीनों वीलुकअप आएंगे, और सेकेंड पार्ट में चौथा वीलुकअप आएगा। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शीट बढ़ेंगे, आपके इफ एरर बढ़ते चले जाएंगे, कॉमा टू कॉमा जीरो, और फिर इसको चेक कीजिए। और बाकी सेल्स पे भी कर सकते हैं, बस इसके आगे का जो आपका नंबर है वो चेंज होते जाएगा। तो संदीप जी, अमित जी, समझ में आया आपको एग्जांपल? हाँ सर। अब यहाँ देखिए, दो यहाँ पे दो की जगह पे तीन कर दूंगा, यहाँ भी तीन होगा, यहाँ भी तीन होगा, चारों में तीन करने पड़ेंगे, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। किसी को डाउट? इसको बोलते हैं मल्टी शीट व्हील का। सर इसमें अपन ने एक बार सही है सर, इसमें अपन ने एक ही एरर लगाया और इसमें दो व्हील को लगा दिया अपन ने। सिंपल सी कंसेप्ट समझिए, मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है कि आपके पास जो है एक सेल है जो कि एक इसकी कैपेसिटी एक वीलुकअप की है, राइट? जी सर जी। तो हमने बोला इफ एरर, इफ एरर कहता है कि मैं दो वीलुकअप लगा सकता हूँ, बट हमारे पास कितने हैं? हमारे पास चार है। तो मैंने क्या हुआ, इसको एक कनेक्टर मान लीजिए, तो मैंने एक और इफ लगाया, इफ एरर लगाया, तो इसे इसके पास क्या हो गए, तीन पॉइंट हो गया हमारा, वन टू और थ्री, लेकिन मुझे देने हैं चार, तो मैंने एक और इफ एरर यहां लगाया, तो अब हो गया चार सर, एक दो तीन चार। तो यहां पे पहला वी लुकअप, यहां पे दूसरा वी लुकअप, यहां पे तीसरा वी लुकअप, यहां पे चौथा वी लुकअप, समझ गए? सेम काम फॉर्मूले में हुआ कि फॉर्मूले में हुआ, यहाँ देखिए कि ए हमारा इफ एरर रहा जी, ए हमारा फर्स्ट कनेक्टर हो गया जो कि दो वीलुकअप को कैरी कर रहा है जी सर, सेकेंड कनेक्टर कनेक्टर जो इसको कैरी कर रहा है और फिर इसको कैरी कर रहा है, समझ गए? जी सर। और जी, जो आपका फर्स्ट इफ एरर है वो कैरी कर रहा है किसको, इन दोनों को, समझ गए? और करेक्ट कर रहा है चौथे को। तो सबसे पहले कौन सा वी लुकअप चलेगा? सबसे पहले आपका ए वी लुकअप चलेगा जी। प्रोसीजर देखिए, अगर एक एरर दिया, ए अगर आपका रिजल्ट दिया, इसी के रिजल्ट को आगे पब्लिश किया जाएगा। अगर ए एरर दिया तो फिर दूसरा वी लुकअप चलेगा, राइट? इसका जो डेटा होगा वो इसको पब्लिश किया जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों एरर, दोनों एरर दिया, मतलब कि ये इफ एरर एरर दिया, तो ये इफ एरर फॉरवर्ड करेगा इसको, अपने पहले वाले वीलुकअप को, समझ गए? और सेम प्रोसीजर चलेगा, फिर वो लास्ट में इसको चलाएगा जी सर। ये चीज को करता है सर। तो सर ये अपन काउंट इफ सम इफ इसके अंदर भी ये सेम प्रोसेस होता है इसका इफ एरर? हाँ हाँ, जब आपको ये जान लीजिए ना, जब आप नहीं काउंट इफ सम इफ लगा सकते, ये फॉर्मूला वहां पे लगता है जिस फॉर्मूले में एरर आता है, समझ गए? सेम कॉन्सेप्ट। अगर अपन देखें काउंट इफ के अंदर, मेरे पास में चार अलग अलग शीट्स हैं, तो उसको प्लस करते चले जाओ ना, क्योंकि काउंट इफ का रिजल्ट समरी न्यूमेरिक आता है, तो काउंटी पहले सीट का काउंटी प्लस, दूसरे सीट का काउंटी प्लस, तीसरे की प्लस 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 प्लस,
समझ गया ना जी। क्योंकि मान लीजिए पहले सीट में मिला तो जीरो आएगा, नहीं मिला तो जीरो, मिलेगा तो वन टू थ्री फोर जो नंबर है वो नंबर आएगा जी जी जी। लास्ट में जितना है उतने बार वो रिपीट है जी। ठीक है ओके ओके। अब अगली क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने वीलुकअप पे बताया आपको, बताया ना सर? यस जी सर। अब बाकी क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा सर। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन करना है। और ये हमारा वीलुकअप का लास्ट एग्जांपल है, ये भी समझ जाइए। अभी क्या है कि मेरे पास डेटा है राइट, और डेटा में मैं जोन के अकॉर्डिंग चलता हूं, और मेरा जोन कई बार रिपीटेड है, आई नो कि कई बार रिपीटेड है राइट सर। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं इसी सीट पे करता हूं, वरना आप अलग सीट पे भी कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे यहां पे डेटा दिखे ओवरऑल, कि मैं जोन यहां डाल देता हूं, यहां सीरियल नंबर होगा, मैं जोन डाल दिया यहां पे ईस्ट, तो मुझे ईस्ट का पूरा डेटा यहां शो होना चाहिए। जैसे कि जनरली जो हम फिल्टर करके लगते हैं ना सर, कि यहाँ पे फिल्टर लगाया और मैंने यहाँ पे ईस्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो ईस्ट के जितने भी डेटा है वो डेटा जो है, कितने डेटा है इसके अंदर, 305 कुछ ज्यादा ही है, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब ज्यादा में आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। मैं 100 लेता हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। तो इसका डेटा अगर 5 बार रिपीट है तो पांचों इसका डेटा सामने दिखना चाहिए। ये पूरा डेटा इसका यहां पे शो होना चाहिए, हो जाएगा आप लोगों से सर? यस सर हो जाएगा। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, सब आदमी को, आप लोग करके मुझे भेजिए। अगर कर लेते हैं तो कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला का, अदरवाइज मैं इसी को बताऊंगा और कोई अनदर प्रोजेक्ट दूंगा। मैं फाइल भेज देता हूं, कल किसी से भेजा है मैंने, चलिए फाइल मैंने भेज दिया। किसी को कोई डाउट है किसी तरह का? नहीं सर। तो प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और मुझे भेजिए, मेरे फाइल आप लोगों को भेज दिया है जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।